हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो फाइनल अकाउंट का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो इसमें क्या दिया है, कॉलेज का पेपर है तो आधा क्वेश्चन इधर दिया है, ओके, और आधा क्वेश्चन थोड़ा पीछे दिया है, तो है ना। तो और यहाँ एडजस्टमेंट दिया है, तो टेबल को एक बार लिखा जाता है और एडजस्टमेंट को दो बार लिखा जाता है, ठीक है। एडजस्टमेंट को दो बार, तो पहले एडजस्टमेंट टिक मार्क करना था, हमने टिक मार्क कर लिया, राइट। तो एकदम बेसिक से पोस्टिंग चालू कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनल अकाउंट आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा जो फैक्ट्री के रिलेटेड आएगा, किसके रिलेटेड आएगा, फैक्ट्री के। और प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा ऑफिस के रिलेटेड, किसके रिलेटेड आएगा, ऑफिस। और एक कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर। तो इधर दो लोग है, एक नाम है धर्मेंद्र और एक हेमा, तो दो दो पार्टनर है, इसके लिए दो कॉलम बनेगा। तीन पार्टनर रहेगा तो कितना बनेगा, तीन। तो अभी हम क्या करेंगे, कॉलम को छोड़ देंगे, धर्मेंद्र हेमा, धर्मेंद्र और हेमा। तो कैपिटल अकाउंट मतलब पार्टनर, तो इधर ड्रॉइंग आएगा, डिफॉल्ट डेबिट, इधर कैपिटल आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जहाँ ड्रॉइंग है वहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है, जहाँ कैपिटल है वहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। और ये बैलेंस शीट है, मतलब लाइबिलिटीज और एसेट्स। लाइबिलिटीज मतलब कर्जा होता है, एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी होता है। तो अभी एक एक पोस्टिंग करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में फिक्स है, याद कर लो क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक। क्या सुने, क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक के बाद आएगा परचेस सेल, परचेस डेबिट में आएगा, सेल्स क्रेडिट में आएगा। परचेस माल खरीदा, सेल बेचा, परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करो, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करो। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर स्टॉक दिया है, ये 2022 का ईयर एंड हो रहा है, ये 2021 है, ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक था। तो ओपनिंग स्टॉक 105,000 है ना, तो स्टॉक किधर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में। स्टॉक किधर आएगा, 105,000 लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है, 105,000, सिंपल। फिर उसके बाद बोला है सैलरी एंड वेजेस, तो पहले सैलरी लिखा है कि वेजेस लिखा है, सैलरी। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, अगर पहले वेजेस लिखा रहता था ना, वेजेस मतलब पगार, तो ट्रेडिंग में आएगा। इधर वेजेस आता है, इधर सैलरी आता है, इधर फैक्ट्री का खर्चा, इधर ऑफिस का खर्चा, इधर कैरेज इनवर्ड, इधर कैरेज आउटवर्ड, पावर एंड फ्यूल है ना, डीजल, ऑक्ट्रा, रॉयल्टीज, सब फैक्ट्री वाले इधर आएंगे। और इधर क्या आएगा, तुम्हारा ऑफिस से रिलेटेड जनरल एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, कमीशन, ये सब इधर आएगा ना। तभी क्या है, सैलरी। तो सैलरी को यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसके बाद एडजस्टमेंट है, तो ऐसे निशान मारा दिया, राइट। तो इसको इनर कॉलम में लिख देंगे 27,600। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करेंगे। कैश क्या है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, तो क्या होता है कैश, शाबाश। एसेट में लिखेंगे कितना है, 30,000, कितना है, 30,000। परचेस मतलब खरीदा ना माल, तो परचेस किधर आता है, ट्रेडिंग के डेबिट में। और पहले ढूंढने का, इधर परचेस रिटर्न है क्या, तो इधर तो नहीं दिया है, क्वेश्चन पीछे करूँ क्या, परचेस रिटर्न नहीं है, तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। परचेस का अमाउंट कितना दिया है, 6,75,000, तो इधर लिखेंगे 6,75,000 और डैश मार देंगे, क्योंकि परचेस रिटर्न नहीं है और यही वाला अमाउंट बाहर आ जाएगा, सिंपल। उसके बाद क्या बोला है, सन्ड्री एक्सपेंस, क्या बोला है, सन्ड्री मतलब छोटा मोटा खर्चा है ना, जनरल एक्सपेंस, वो सब किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इधर लिखेंगे सन्ड्री एक्सपेंस, ओके। सन्ड्री एक्सपेंस का अमाउंट कितना है, 25,800, सिंपल। उसके बाद बोला है प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव मतलब होता है कि प्रोडक्शन के लिए, तो ये प्रोडक्शन बोले तो फैक्ट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री बोले तो कौन सा अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग, तो इधर लिखेंगे प्रोडक्टिव वेजेस, अमाउंट दिया है 42,000, ओके। अभी तक हम लोग डेबिट साइड की पोस्टिंग कर रहे थे, तो ये वाला भी पोस्टिंग कर लेता ताकि पेज टर्न करेंगे तो बाद में इधर नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर का करते, सेल्स क्या दिया है, अगर परचेस डेबिट में आता है तो सेल्स किधर आएगा, क्रेडिट में, तो सेल्स कितना दिया, 990,000, जिधर लिखेंगे 990,000। और सेल्स रिटर्न नहीं है तो डैश मार के अमाउंट किधर आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अमाउंट किधर आएगा, बाहर, 990,000, ठीक है। डिस्काउंट क्या दिया है, देखो ये डेबिट साइड होता है, अरे कौन सा साइड होता है, क्रेडिट। अगर डिस्काउंट डेबिट में दिया रहेगा ना तो डेबिट में आएगा, क्रेडिट में दिया तो इंटरेस्ट डिस्काउंट कमीशन, डेबिट है तो डेबिट में लिखेंगे, अगर क्रेडिट है तो किधर आ जाएगा, क्रेडिट। तो फिलहाल डिस्काउंट क्रेडिट में है तो क्रेडिट में लिख देंगे। बाय डिस्काउंट कितना दिया है, डिस्काउंट 14,400। नेक्स्ट दिया है ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट मतलब लोन होता है, क्या होता है, लोन, तो लोन कर्जा होता है, इधर बैंक लोन आएगा, क्रेडिटर आएगा, बिल्स पेबल आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा ना, तो ये कर्जा होता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट कितना दिया, ओवरड्राफ्ट 30,000। फिर क्या दिया है, इंटरेस्ट, क्या दिया है, इंटरेस्ट। मैंने आपको अभी बोला इंटरेस्ट अगर क्रेडिट है तो किधर आएगा, क्रेडिट में। इन्वेस्टमेंट जो किया था, जो पैसा जमा किया था शेयर्स में या बैंक में, उस पर इंटरेस्ट मिला है, तो इंटरेस्ट इनकम होता है, क्रेडिट में आएगा ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
तो फुल फॉर्म लिख दिया आपने, ठीक है, कितना 21600। तो हमने इधर का भी पोस्टिंग किया, इधर का भी पेज टर्न करना पड़ेगा, इसके लिए बड़ा पेपर था, ठीक है। तो आ जाओ, अभी पेज टर्न करके थोड़ा फोल्ड कर देता हूँ। चलो अब इधर का पोस्टिंग फिर से करेंगे डेबिट का, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट है क्या ये? तो इसको लास्ट में सॉल्व करें। अभी दिया बिल रिसीवेबल, क्या है? बिल्स पेबल लायबिलिटी होता है। तो बिल रिसीवेबल क्या आएगा? एसेट्स। इधर बिल पेबल आएगा तो इधर क्या आएगा? बिल रिसीवेबल 24000। एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट बाहर डाल दिया। लॉ चार्जेस मतलब कानून का पेपर वर्क, लॉयर का फीस है ना, तो ये ऑफिस वाला ही देगा ना, फैक्ट्री वाला थोड़ी देगा, ठीक है। तो कितना लॉ चार्जेस? 9000। कितना है? 9000। इधर बोला बैड डेट्स। बैड डेट मतलब चूना लगा दे, जो पैसा आने वाला नहीं है। बैड डेट मतलब जो पैसा भूल जाओ, मिलने वाला नहीं। तो बैड डेट्स किधर आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो फिलहाल अकेला है तो बाहर डाल दो ना। आरडीडी के ऊपर माइनस करके इधर डालने का रहता ना, तो कुछ बोला नहीं, इसलिए बैड डेट्स। बैड डेट मतलब जो पैसा आने वाला नहीं है, लेके भाग गया। वर्क एक्सपेंस, वर्क का मतलब फैक्ट्री होता है, वर्क्स माने फैक्ट्री। तो फैक्ट्री बोलो तो किधर आएगा? ट्रेडिंग। इधर लिखेंगे वर्क्स एक्सपेंस। ये सब एकदम खतरनाक है, अलग अलग वर्ड दिया। ओके, फैक्ट्री वाला दिया है 18000। अब इधर बोला कमीशन, क्या बोला? इंटरेस्ट, डिस्काउंट कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। डेबिट साइड है तो डेबिट में डालेंगे, क्रेडिट है तो क्रेडिट। तो कमीशन 9000 है ना, इधर लिख देंगे कमीशन 9000, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट दिया, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? पैसा कहीं जमा किया है, तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट्स। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट्स। 60000, सिंपल। फिर इसके बाद बोला डेटर्स, क्या बोला है? डेटर्स। तो डेटर भी क्या होता है? एसेट्स। डेटर मतलब कस्टमर से पैसा वसूल करना है। ओके, डेटर मतलब कस्टमर से पैसा वसूल करना है, पैसा आने वाला है, उधारी लेना है ना। ट्रेडमार्क क्या दिया है? ट्रेडमार्क का मतलब क्या होता है? ये ट्रेडमार्क का मतलब होता है वो राइट्स है, वो रजिस्टर है, उसको आप लोग कॉपी नहीं कर सकते। जैसे कि एक किताब है, देखो ये किताब का सिंबल, इसको कॉपी नहीं कर सकते, तो इसको ट्रेडमार्क बोलते हैं। ये किताब है, रजिस्टर होता है ना, तो वैसे ही अपना चैनल है, राइट। तब इसको रजिस्टर नहीं किया, जब इसको भी रजिस्टर करूँगा तो कोई मेरा चैनल का चीज़ कोई भी कॉपी नहीं करता, उसको बोलते ट्रेडमार्क। क्या बोलते उसको? ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या होता है? एसेट्स। क्या होता है? अपना एसेट्स। ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, सब एसेट होता है, ठीक है। तो कितना ट्रेडमार्क है? 24000। फिर उसके बाद बोला टूल्स, क्या बोला? टूल्स, इक्विपमेंट, पाना होना जो भी रहेगा है ना, इक्विपमेंट्स, ये सब क्या रहता है? एसेट्स। तो कितना है? 18000, सिंपल। फिर बोला फर्नीचर, क्या बोला है? फर्नीचर भी क्या होता है? एसेट्स होता है। और फर्नीचर पे देखो एडजस्टमेंट बोला है, तो ये अमाउंट अंदर लिखेंगे, किधर लिखेंगे? अंदर। गुडविल भी एसेट होता है, बिजनेस का वैल्यू है ना, नाम, ब्रांड की वैल्यू, राइट, एसेट्स होता है। 39000। तो सब में बहुत भारी आइटम नए नए दिए थे। और बिल्डिंग क्या दिया है? बिल्डिंग भी एसेट होता है, और बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, ठीक है। देखो बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट बोला ना, तो इनर कॉलम में डाल देंगे ऐसा, ठीक है, बिल्डिंग। और इधर कैपिटल अकाउंट था, क्या था? तो ये पूरे पार्ट एसेट्स इधर से लेके, ऐसा आता नहीं एक साथ, पर दे दिया उन्होंने। कैपिटल बोलो तो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और कैपिटल किधर लिखते हैं? क्रेडिट। अगर ड्रॉइंग डेबिट में लिखेंगे तो कैपिटल किधर लिखेंगे? क्रेडिट। क्रेडिट में क्या करके लिखेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। धर्मेंद्र हेमा मालिनी, तो इधर है 180000, इधर है 120000, सिंपल। तो इस तरह भी हमने क्या किया? टेबल का पोस्टिंग किया। टेबल को कितने बार लिखते हैं? एक बार। अभी क्या लिखने का? एडजस्टमेंट है ना, तो एडजस्टमेंट को दो बार लिखने का, कितने बार? दो बार। तो क्लोजिंग स्टॉक किसी को याद है कहाँ लिखने का? नहीं, ट्रेडिंग के क्रेडिट और एक एसेट्स। ओपनिंग इधर आता है तो क्लोजिंग इधर आएगा ना, तो ट्रेडिंग के किधर रहेगा? क्रेडिट। कितना दिया है? 120000। तो पहला हमने क्या लिखा? ट्रेडिंग के क्रेडिट। तो दूसरा फैक्ट किधर रहेगा? एसेट्स में। इधर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिख देंगे इधर? 120000, सिंपल। तो इस तरह दो इफेक्ट हो गया। उसके बाद बोला है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो गए ना, तो बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 10, तो डेप्रिसिएशन मतलब माइनस करेंगे, इधर लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन। तो 1.5 लाख पे 10%, 15000 आ जाएगा, एक जीरो छुपा देंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो 1,35,000 हो जाएगा। और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन क्या करेंगे? कम कर देंगे, 3600 आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 32400, मान लो इतना अमाउंट आया, ठीक है। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हो रही है ना, एसेट्स की वैल्यू कम, तो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे
प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। इधर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन, एक था बिल्डिंग पे फर्नीचर, तो बिल्डिंग पे कितना था 15,000, इस पे था 3600, 18,600 रुपये अपना डेप्रिसिएशन हो गया। बिल्डिंग मतलब एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डालेंगे। अगर डेटर्स पे ऑडिट आता तो इधर माइनस कर दे, दूसरा पे किधर आता है ना। तो फर्स्ट भी किया, सेकंड भी किया, थर्ड बोला अनपेड, क्या बोला? अनपेड मतलब बाकी है, तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं उसको, तो प्लस करके लायबिलिटी, देना बाकी है। तो सैलरी कितना देना बाकी है? 2400। तो इधर सैलरी था, प्रॉफिट एंड लॉस में जगह छोड़ा ना, इधर लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2400, जिसपे 400 डालूंगा 28,000 होएगा, 28 पे दो 30,000 हो जाएगा, ठीक है मान लो ऐड करके आया। तो ये खर्चा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। तो जब खर्चा बढ़ रहा है तो कर्जा होता है, खर्चा बढ़ता है तो कर्जा, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने डायरेक्ट लायबिलिटी में लिख दिया क्योंकि वो देना बाकी है, देना बाकी है। और इसे प्रिंटिंग बिल भी बोला 3600 है ना, तो इधर प्रिंटिंग बिल दिया ही नहीं है तो भी लिखने का रहता है, ऐसे लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल, क्या लिखेंगे? टू आउटस्टैंडिंग मतलब प्रिंटिंग बिल एक अमाउंट का खर्चा हो गया ऑफिस का जो पेंडिंग था, तो उसको यहाँ शो किया। और जब देना बाकी है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? लायबिलिटीज। तो इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग बिल, एडजस्टमेंट को दो बार लिखना ही है आपको, ठीक है? तो एक यहाँ लिख दिया और एक यहाँ लिख दिया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड भी हो गया। फोर्थ बोला है अनइंश्योर्ड गुड्स, गुड्स का इंश्योरेंस नहीं था और 30,000 का गुड्स है, कितने का था? लॉस बाय फायर मतलब आग लग गया, नुकसान हो गया। तो गुड्स अगर आएगा तो डेबिट में लिखने का, जाएगा तो क्रेडिट। तो गुड्स फ्री में बांटा तो भी इधर आएगा, गुड्स थेफ्ट चोरी होगा तो भी इधर आएगा, पार्टनर लेके गया तो भी इधर आएगा, फ्री सैंपल बोला तो भी इधर आएगा, गुड्स लॉस बाय फायर तो भी इधर ही आएगा ना। गुड्स लॉस बाय फायर, क्या लिख दिया? लॉस बाय फायर, आग लग गई, कितने का नुकसान हुआ? 30,000। तो ये किधर आ जाएगा? 30 है ना, ट्रेडिंग का क्रेडिट। और दूसरा पे किधर आएगा? डेबिट, क्योंकि गुड्स गया तो लॉस हो गया, तो लॉस हो गया तो लॉस को इधर रिकॉर्ड करते, क्रेडिट डेबिट है ना। इधर लिखेगा टू गुड्स लॉस बाय फायर, लॉस था ठीक है, लॉस बाय फायर, कितने का गुड्स था? 30,000, ठीक है। और लास्ट में एक रेशियो बोला है, वो जो भी रेशियो रहते हैं ना 2:1, 3:1, तो रेशियो कैपिटल रेशियो बोला, क्या बोला है? तो कैपिटल कितना देखो, 180,000 18 लिख दिया, 120,000 का 12 लिख दिया, दोनों 6 के टेबल में जाता है ना, तीन बार और दो बार, ये हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या हो गया ये? जब तुम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा? इसको इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? टोटल मैंने वीडियो बढ़ा दिया, चेक कर लेना। फिर इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को किधर ट्रांसफर करेंगे? क्रेडिट में ना, जो भी आंसर आएगा अब यहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो नेट प्रॉफिट मिलेगा, क्या मिलेगा? उसको तुमको 3:2 में बांटना है, फिर इधर का बैलेंस इधर जाएगा, इधर का जो भी बैलेंस आएगा इधर लिख के डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, किधर डाल देंगे? हेमा सॉरी धर्मेंद्र और हेमा, ये फिर तुम्हारा टैली हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो इस तरह फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करते हैं। तो ये फाइनल अकाउंट का कुछ 25th या 26th क्वेश्चन है, इसके पहले भी 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, तो तुम लोग 5 भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।